नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनकर चिंतित होना, परेशान होना स्वाभाविक है और परेशान होना भी चाहिए। और खबर से ज्यादा परेशान कर देने वाली बात यह है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को कवर नहीं किया गया। किसी भी टीवी न्यूज चैनल पर इस खबर को नहीं सुनाया गया, केवल कुछ चुनिंदा न्यूज़पेपर्स और उनकी वेबसाइट्स पर इस खबर को छापा गया। और ये कवरेज कितनी बायस थी, कितनी गलत कवरेज थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDE, दोस्तों DRDE DRDO की एक केमिकल लेबोरेटरी है। DRI और DRDE ने एक हफ्ते लंबे ऑपरेशन के बाद कुछ दिन पहले इंदौर में एक लेबोरेटरी पर छापा मार के 9 किलोग्राम मात्रा में फेंटानिल केमिकल बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 110 करोड़ रुपए है। इस लेबोरेटरी को चलाने वाला व्यक्ति, इसका ओनर एक PhD किया हुआ साइंटिस्ट है, जिसका नाम किसी भी न्यूज आर्टिकल में नहीं बताया गया। ना ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका नाम बताया, ना ही इंडियन एक्सप्रेस ने, ना ही न्यूज 18 ने, किसी ने भी इस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इसका नाम क्या था और इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगले एक मिनट के लिए आप सिर्फ दो चीजों को अपने दिमाग में रखिए, 9 किलोग्राम और फेंटानिल। दोस्तों, फेंटानिल एक ओपियोइड केमिकल है जो मॉर्फिन से 100 गुना ज्यादा और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। ओपियोइड का मतलब होता है अफीम से बनाए जाने वाले केमिकल्स। फेंटानिल इतना ज्यादा खतरनाक केमिकल है कि इसकी केवल 2 मिलीग्राम की मात्रा एक हट्टे कट्टे स्वस्थ आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। इस छापे के बाद DRI और DRDE दोनों ही सदमे में है, और इसका बहुत अच्छा कारण उनके पास है। कारण यह है कि फेंटानिल का मार्केट इंडिया में नहीं है। फेंटानिल को इस्तेमाल करके जो ड्रग्स बनाई जाती हैं नशा करने के लिए, उनका मार्केट भी इंडिया में जीरो है, लेकिन अमेरिका में इन ड्रग्स का मार्केट है। ये ड्रग्स हैं जैसे कि चाइना गर्ल, चाइना टाउन, अपाचे टैबलेट्स इत्यादि। DRDE के अनुसार 9 किलोग्राम फेंटानिल 40 से 50 लाख लोगों को जान से मारने के लिए काफी है, और इसका इस्तेमाल केमिकल अटैक में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश फेंटानिल को केमिकल वेपन के रूप में सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुके हैं। 2014 में अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फेंटानिल के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल से इतनी ज्यादा चिंतित हो गई थी, उनको इस बात की आशंका इतनी बढ़ गई थी कि आतंकवादी उनकी जमीन पर फेंटानिल का केमिकल अटैक के लिए उपयोग कर सकते हैं, कि उन्होंने अपने नागरिकों के लिए फेंटानिल से संबंधित गाइडलाइंस भी जारी की थी। अब बात करते हैं कि कौन है यह आदमी, क्यों किसी भी न्यूज वेबसाइट ने इस आदमी का नाम नहीं बताया, और इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, इस आदमी का नाम है मोहम्मद सादिक। ये PhD किया हुआ एक साइंटिस्ट है और कई सालों से इंदौर में अपनी लेबोरेटरी चला रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में इस आदमी का नाम नहीं बताया और इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा US हिटिंग साइंटिस्ट। क्यों लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया ने US हिटिंग? असल में दोस्तों, इसकी लेबोरेटरी से जिहादी विचारधारा वाला लिटरेचर और किताबें बहुमात्रा में मिली। ये वही लिटरेचर और किताबें हैं जो लश्कर ए तैयबा, ISIS और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाने के लिए पढ़वाते हैं। इस साइंटिस्ट मोहम्मद सादिक के यहाँ से इस लिटरेचर को मिलने का मतलब है कि ये भी एक जिहादी ही है। पकड़े जाने पर अपने आप को बचाने के लिए इसने अथॉरिटीज से कहा कि वो ये केमिकल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में इस्तेमाल होने के लिए बना रहा था। और वो क्या कहता कि वो एक आतंकवादी है और इस केमिकल को इसलिए बना रहा था जिससे कि वो इंडिया में केमिकल अटैक करके लोगों को मार सके, क्या वो ये कहता? क्यों हमारी न्यूज वेबसाइट्स ने इस आदमी का नाम नहीं बताया, इसकी जिहादी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं बताया? क्या अगर इसका नाम सादिक की जगह सुरेश होता तो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, इंडियन एक्सप्रेस इसकी आइडेंटिटी छुपाती, इसके नाम को छुपाती? दोस्तों, अगर ये आतंकवादी इस 9 किलोग्राम फेंटानिल केमिकल का हमारे देश की धरती पे केमिकल अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता और इस अटैक में ये 1% भी सक्सेसफुल हो जाता, यानी कि सिर्फ 1% भी इसको सफलता मिलती, तो भी ये 40 से 50 हजार लोगों को मार देता। दोस्तों, 40 से 50 हजार मासूम लोग मारे जाते। 40 से 50 हजार लोगों को मारने के लिए 9 हजार क्या 90 हजार किलोग्राम एक्सप्लोसिव भी कम पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप 9 किलोग्राम फेंटेनल का इस्तेमाल करके लाखों मासूम लोगों को आसानी से मार सकते हैं। 9 किलोग्राम फेंटेनल की मार्केट वैल्यू है 110 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि इस आतंकवादी के पास फंडिंग की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, और अलग अलग शहरों की वाटर सप्लाई में इस केमिकल पाउडर को मिला के ये अपने केमिकल अटैक को आराम से अंजाम दे सकता था। अब हमारी एजेंसीज इस आतंकवादी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथी कौन कौन हैं, इसके ऊपर कौन कौन आका बैठे हैं, इसके पास फेंटानिल बनाने के लिए जरूरी केमिकल्स कहां से आए, इन सब बातों का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।
दोस्तों हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को इस खबर को कवर करना चाहिए था, बड़े पैमाने पे इसकी कवरेज होनी चाहिए थी और इस आतंकवादी की आइडेंटिटी भी लोगों को बताई जानी चाहिए थी, जिससे कि लोग अपनी आसपास चल रही गतिविधियों के प्रति और ज्यादा जागरूक हो सकें। चलते चलते मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि क्या अगर इस आदमी का नाम सादिक ना होके सुरेश होता तो भी क्या हमारी न्यूज वेबसाइट्स इसकी आइडेंटिटी को छुपाती? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।